ये 11वां पार्ट 2 का थर्ड लेसन है, अपीच ऑफ स्नॉप मनोहर मार्ग अंतर द्वारा लिखा गया है, इसका समरी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि 12th के एग्जाम के मकसद जो बिहार बोर्ड से जॉब करते हैं उनके लिए, ठीक ना, आप लोग पूरे समरी को देखने के अंत तक जुड़े रहिए हमसे। अ पिंच ऑफ स्नॉप इज अ वेरी ह्यूमरस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हिच इज रिटन बाय मनोहर मार गौकर। यानी अ पिंच ऑफ स्नॉप जो है एक हास्यकर और रोचक कहानी है। कैसे कहानी? हास्यकर और रोचक कहानी है। Which is written, which is लिखा गया किसके द्वारा? मनोहर मार गौकर के द्वारा। The story is about नानू काका। यह जो कहानी है किसके बारे में? नानू काका के बारे में है। Who is the maternal uncle of the writer? जो नरेगर ने लेखक के कहा है? मामा है। कौन लेखक के मामा है? नानू काका। The writer is an under secretary इन द गवर्नमेंट, यानी सरकारी डिपार्टमेंट में ये जो लेखक है वो क्या है? अंडर सेक्रेटरी, अनु सचिव है। नानू काका हैज कम टू मीट अ मिनिस्टर। नानू काका जो है एक मंत्री से मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ही इज अ कनिंग एंड श्रेष्ठ मैन। ये जो है चालाक और चतुर आदमी है। He always tells a lie. वे हमेशा क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। कौन? He can be fool anyone with his lie. वे किसी को भी अपने झूठ से मूर्ख बना सकते हैं। कौन? नानू काका जो है किसी को भी अपने मूर्ख से अपने झूठ से मूर्ख बना सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। He can manage any difficult situation and get rid of any difficulty. यानी वे जो है किसी भी मुश्किल परिस्थिति को, कठिन परिस्थिति को संभाल सकते हैं और उससे यानी किसी भी मुश्किल से क्या कर पाते हैं? छुटकारा पा सकते हैं। कौन? नानू काका। He travels second class on a third class ticket. वे यात्रा करते हैं द्वितीय श्रेणी में, यानी किस पर? तृतीय श्रेणी के टिकट पर। वे जो यात्रा करते हैं तृतीय श्रेणी के टिकट ले लेते हैं और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते हैं। झूठ सच बोल करके टिकटी को जो थे क्या किए थे? मैनेज कर लेते ना जी। वो बल्कि लास्ट में आया था छोड़ने के लिए इनको, अभी दंड प्रणाम भी करके गया। वो जान रहा था नानू काका बड़ा बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा आदमी है, नेता मंत्री से इसका डायरेक्ट जान पहचान है, जन्म कर रहे हैं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मायने रख रहा था वहां पर उसका, और उस टाइप का था ही। नानू काका गोज टू मीट द मिनिस्टर बट ही फेल्स टू मीट हिम। नानू काका जो है मंत्री से मिलने के लिए जाता है लेकिन वो क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, मिल नहीं पाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो उसी समय एक जो कार जो है तेज गति से गुजरती है तो उसको देखता है तो कुछ बोलने लगता है तो पता है कि जो लड़का जा रहा है उसका नाम है क्या? सोहनलाल, जो रतिराम सोहनलाल का पुत्र है। तो बताने लग सोहनलाल रतिराम न जी, सोहनलाल रतिराम उसका नाम है। और किसका पुत्र है? रतिराम का पुत्र है, रतिराम का पुत्र है। ये जिक्र करना सोहनलाल कहाँ जाता है? सोहनलाल के पास जाता है। सोहनलाल का है पार्टी बॉस है, दिल्ली का है पार्टी बॉस है। द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो दिल्ली में पार्टी बॉस है। नानू काका टेल्स हिम दैट हजरत बरकत अली, नानू काका कहता है कि हजरत बरकत अली जो है द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बेरूत में जो भारत के राजदूत है, जो हजरत बरकत अली इज हिज क्लोज फ्रेंड, वो उनका क्या है? घनिष्ठ मित्र है, दोस्त है। आफ्टर दिस इसके बाद बात विचार जो कहने के बाद कहता है, वहां पर बात विचार होते रहती, फिर वहां से जाता है तो इसको मालूम चल जाता है कि हमें मंत्री से कैसे मिलना है, किसे मिलना है? मंत्री से मिला, किस मिला है? आफ्टर दिस इसके बाद ही गोज टू द मिनिस्टर
रेसिडेंस, वो कहा जाता है मंत्री के आवास को जाता है एंड पोसेस एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ मिनोर। वो जो है मिनोर लिखा गया, मिनोर कर लीजिएगा ठीक है, मिनोर के महाराजा के खानदानी ज्योतिषी के रूप में ढोंग करता है, अपने को पेश करता है कि मैं जो हूँ मैं निनौर के महाराजा का खानदानी का हूँ, ज्योतिषी हूँ। वो ज्योतिषी का ढोंग क्यों करता है, क्योंकि जो कल्याण मंत्री थे वो अपनी बेटी का शादी निनौर के महाराजा के राजकुमार से करना चाहते थे, उन्हीं से चर्चा चल रहा था। अभी तक कुंडली का लेन देन नहीं होता, कोई ज्योतिषी मिला नहीं था, तब ये ज्योतिषी का रूप धर उनके पास गया था। अपना नाम लिखता है, पद नाम में क्या लिखता है रजिस्टर पर, हाँ उसको क्या लिखता है अपना नाम लिखता, अपना नाम तो नाम लिख देता है लेकिन पद नाम में क्या लिखता है, आखिर क्या क्या चीज है वो, हाँ वो लिखा है निनौर के खानदानी ज्योतिषी। और एड्रेस में किसका एड्रेस डालता है, अपने लेखक के एड्रेस डाल देता है। दिस ट्रिक, यह जो तरीका है हेल्प ही उसे मदद करता है एंड द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू मीट यू मीट हिम, कल्याण मंत्री स्वयं उसे मिलने के लिए आ जाते हैं। द स्टोरी शोस दैट अ पर्सन लाइक ननुकाका विल बी सक्सेसफुल इन द प्रेजेंट सोसाइटी, यानी यह कहानी यह दर्शाता है कि यानी जो वो पर्सन इसके जैसे ननुकाका जैसे जो व्यक्ति होंगे वो सफल हो जाएंगे इस वर्तमान समाज में, वर्तमान समाज में इस प्रकार के लोग सफल भी हो, झूठ सच बोलने वाले लोग क्या हो रहे हैं सफल हो रहे हैं। देखिए हमारे जो बड़े बड़े लोग इस समय जिनके अंडर में हम लोग रह रहे हैं वो सब कैसे पहुंचे हुए हैं, झूठ सच बोल करके पहुंचे हुए हैं। और इसमें आज इतना ही रखते हैं, फिर हम आपसे फिर नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में।